ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के चलते जहां नदी नाले उफान पर थे, तो वहीं जगह जगह पर हुई लैंडस्लाइड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। वहीं कुदरती कहर का असर बिलासपुर में भी देखने को मिला था, जहां घुमार में स्थित करल्या गांव के 7 परिवारों के घर जबरदस्त लैंडस्लाइड के चलते जमीन में धस गए थे, जिसके बाद प्रशासन व स्थानीय लोगों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत 30 लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के चलते जहां नदी नाले उफान पर थे, तो वहीं जगह जगह लैंडस्लाइड से जनजीवन व्यस्त हो गया था। वहीं कुदरती कहर का असर बिलासपुर में भी देखने को मिला था, जहां घुमार में स्थित करियाल गांव के 7 परिवारों के घर जबरदस्त लैंडस्लाइड के चलते जमीन दोज हो गए थे, जिसके बाद प्रशासन व स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत 30 लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। वहीं बरसात के कहर से बेसहारा हुए इन 7 परिवारों से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पहुंचे, जहां उन्होंने सभी पीड़ितों का हाल चाल जाना। वहीं प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रशासन की तरफ से जहां पीड़ितों को 40,000 रुपए की पहले ही फौरी राहत दी जा चुकी है, तो वहीं अब लगभग 12.5 लाख रुपए पीड़ितों के लिए और स्वीकृत किए जा चुके हैं। वहीं प्रेम कुमार धूमल ने सभी पीड़ित परिवारों को 3-3 बिस्वा जमीन आवास बनाने के लिए दिए जाने की बात कहते हुए कृषि के लिए भी जमीन उपलब्ध करवाने की प्रदेश सरकार से मांग की है। साथ ही धूमल ने स्टेट ज्यूजलिस्ट की टीम द्वारा मौके पर निरीक्षण कर पहाड़ी दरकने की संभावनाओं की जाँच करने की भी बात कही। लैंडस्लाइड के कारण 7 परिवारों के घर और पशु घर सब कुछ तबाह हो गया। सहयोग से उन सब की जान बच गई, लेकिन बाकी कुछ नहीं बचा। आज हम वहाँ गए थे, समाज और सरकार पीड़ित परिवारों की मदद कर रहे हैं। 7 परिवारों को 40,000 रुपये अब दिया जा चुका है। हमें बताया गया 12,48,200 रुपये और स्वीकृत हुआ है। आज एक उच्च स्तरीय टीम भी गवर्नमेंट की वहाँ जा रही है, स्टेट जियोलॉजिस्ट का प्रतिनिधि भी उसमें होगा, कि ऐसा लग रहा है भूमि अभी और दरकेगी। तो भूमि और न दरके और कहाँ तक दरकने की संभावना है, कहाँ रोका जा सकता है या कहाँ उसके कारण ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उसको सारे को स्टडी करने के लिए वो टीम जाएगी और उसके बाद समुचित कार्रवाई मुझे विश्वास है सरकार करेगी। 7 परिवारों के लिए 3-3 बिस्वा जमीन आवास बनाने के लिए आवंटित करने का प्रस्ताव है। और क्योंकि वो परिवार दिहाड़ी लगाकर काम करके अपना रोजी रोटी कमाते थे, खेती बाड़ी करते थे, पशुपालन करते थे, उनकी मांग भी यही है कि केवल आवास के लिए नहीं, कृषि के काम के लिए भी और पशुपालन के लिए भी उन्हें जमीन दी जाए। 5 परिवारों की 12 बीघा जमीन थी, एक की 8 बीघा थी, कुल मिला के 20 बीघा बनती है। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि नियमों में ढील देकर उनको भूमि आवंटित की जाए, ताकि स्वावलंबी बनकर कृषि का काम भी कर सकें और पशुपालन का भी कर सकें।